नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार की राजनीति में मेवालाल चौधरी का नाम जो है वो गूंज रहा है। लगातार विपक्ष जो है नीतीश कुमार पे एक के बाद एक सवाल उठा रही है, क्योंकि मेवालाल चौधरी के ऊपर बहुत सारे आरोप है। जब वो कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति थे तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को लेकर धांधली हुई थी, उसको लेकर कई मामले जो है वो कोर्ट में लंबित है, चल रहे हैं, उन पर आरोप है। अब उनको बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री बनाया गया है। अब उनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मेवालाल चौधरी को लेकर सरकार से सवाल पूछे और उन्होंने कहा कि भवन निर्माण और भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों के आरोपी को शिक्षा मंत्री बनाया, उन पर IPC धारा की 409, 420, 467, 468, 471 और 120 की बी के तहत मुकदमा दर्ज है। राज्य सरकार से सवाल पूछा कि क्या मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाकर भ्रष्टाचार करने वाले को इनाम और लूट की खुली छूट दिया जा रहा है का? ये सवाल जो है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने भी ट्वीट कर पूछा था कि भ्रष्टाचार करने वाले को शिक्षा मंत्री बनाकर इनाम दे रहे हैं क्या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार करप्शन भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करते हैं। ये 15 में भी आप देखे हुए हैं कि जब महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी यादव पर बहुत से आरोप भी लगे थे, कई RJD नेता थे उन पर भी आरोप लगे थे, और वो इन सभी चीज़ों से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, वो खुद कहते हैं। और अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो वहाँ से, अपनी कुर्सी पर आँच नहीं आने के लिए वो वहाँ से अलग हो गए, फिर NDA के साथ मिलकर सरकार बना ली। एक बार फिर से वही स्थिति फिर बनती हुई दिख रही है और यहाँ स्थिति परिस्थिति कुछ अलग है, क्योंकि तब नीतीश कुमार एक मजबूत JDU के तौर पर थे, लेकिन आज जो है JDU जो है वो कंप्रोमाइज़ करके चल रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि जो है कद जो सीट का आंकड़ा है वो कम हो गया है और कहा जा रहा है कि BJP ही कमान अपने हाथ में रखी है, बेशक मुख्यमंत्री वो हों लेकिन कमान BJP के हाथ में है। बहरहाल, लेकिन अब आरोप लगा है मेवालाल चौधरी को लेकर नीतीश कुमार पर, तो मेवालाल चौधरी से भी सवाल पूछा गया कि जो आरोप आपके लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि मामला तो कोर्ट में लंबित है। तो मेवालाल चौधरी ने भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। मेवालाल चौधरी ने कहा कि मैं चार्जशीटेड नहीं हूँ, सारा मामला कोर्ट में है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा उनको लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इल्ज़ाम लगाने वाले जेल के अंदर हैं या जेल के मुहाने पर खड़े हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रहे श्री चौधरी ने कहा कि बातें सकारात्मक होनी चाहिए, सामने राउंड टेबल पर आकर तेजस्वी या कोई भी शिक्षा पर मुझसे जिस तरह तिहर कर सके वो करे, बिहार में कैसे क्लास रूम टीचिंग और बेहतर किया जाए, कैसे शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर किया जाए, इसके लिए क्या क्या किया जाए, इन बिंदुओं पर सलाह दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो ये लोग सवाल कर रहे हैं जो कुछ जेल में हैं या जेल के मुहानी पर खड़े हैं, कुछ देर में वो जाने वाले हैं, वो बेशक सलाह दे सकते हैं कि किस तरीके शिक्षा प्रणाली को बेहतर किया जाए, क्लासरूम किस तरह से फॉर्मेट किया जाए, फंक्शनिंग किया जाए और किस तरीके से शिक्षकी की बहाली किया जाए, ये सभी बिंदुओं पर अगर सलाह कोई देना चाहे तो स्वागत है, दे। लेकिन आरोप नहीं लगाए, और आरोप वो लगा रहे हैं जो जेल के अंदर, यानी लालू प्रसाद यादव जेल के अंदर हैं और तेजस्वी यादव बताया कि जेल की मुहानी पर खड़े हैं, कब चले जाएंगे कोई पता नहीं है, क्योंकि उन पर भी आरोप लगे हैं, कई भ्रष्टाचार के मामले भी उन पर लंबित है, जिसको लेकर महागठबंधन की सरकार 15 में बनने के बाद ठीक 2 साल चली, उसके बाद गिर गई थी, नीतीश कुमार NDA में चले आए थे। तो कुल मिलाकर यही है कि मेवालाल चौधरी ने भी पलटवार किया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर। फिलहाल कितना ही, जुड़े भारत लाइव के साथ, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। Paytm नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।